जी हमारी दाल बनकर हो गई है रेडी। दाल और चावल बनाए हैं हमने, के पापा बोले कि बहुत ज्यादा थकान भी हो रही है। और फिर वैसे तो सब्जी रखी हुई थी क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना हमारे यहाँ पे जाने का नैना देवी, और सब्जी रखी है। मैं मटर भी लेके आई थी कि मटर पनीर बनाऊंगी, गोभी भी लेके आई थी, लेकिन हनुमान पापा बोले बाकी इतनी थकान होती है ना, क्यों पूरा शरीर ऐसा टूट रहा है, दर्द हो रहा है, कह रहे कि बस दाल चावल बना ले और कुछ नहीं करते हैं लेट जा। मतलब कि मैं दाल चावल बनाए, फिर जहाँ गंदा हो रहा था वो साफ करा। अब हमारा पानी भी बंद हो रहा है बाथरूम में, अब हनु के पापा गए हैं नहाने बाहर, मेरे को तो आज ऐसे ही झेलना पड़ेगा बस, अभी चेंज भी नहीं किया। और बस फिर अभी है ना मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पति देव जी केक लेके आए हैं, और मेरा ना जब मैं खाना बना रही थी रसोई में थी, ये देखो ये रखा केक भी, और इन्होंने मेरे को बताया नहीं पहले, बोले जब आए थे मैं तब बोली थी कि मगर केक लेके आओगे, तब इन्होंने मेरे को मना कर दिया, मगर चलो कोई बात नहीं रहने दो, वैसे भी थकान हो रही है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप, रहने दो मतलब। और अब ना खुद से ही जब मैं रसोई में काम में लग रही चुपचाप जाके हनु को पहले आइसक्रीम ला के दे दी, फिर खुद से केक लेने चले गए ले, और उन्होंने पता है कि मेरे को पता नहीं है, चुपचाप से आके फ्रिज में रख भी दिया, पर मैंने देख लिया उनको, पता चल जाए ऐसे लेडीज को कोई बात छुपती नहीं है, पर मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगी कि मैंने देखा नहीं है, क्यों मैं उनका सरप्राइज ना खराब नहीं करना चाहती, अगर वो सरप्राइज मतलब कि लेके आए हैं और मेरे को नहीं बताया है तो चलो मैं यही करूंगी कि नहीं मैंने नहीं देखा। और तो चलो अभी भूख लग रही है और खाना बन गया, अब खाना उन्होंने भी नहीं खाया, हम सुबह नाश्ता करके गए थे, बीच में इन्होंने बोला कि खाना खा लो, इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाया भी, बट मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरी कंडीशन ना बिल्कुल भी नहीं थी, मैं खाती तो फिर मुझे और ज्यादा वोमिटिंग होती है, और सुबह जो खा के गई थी ना उससे भी हो रही थी, दो बार हुई, लेकिन वहां पे जाने के बाद आते टाइम तो जाने के बाद हुई, आते टाइम तो मुझे बीच में ही हुई है, और फिर हनु को भी हुई। मेरा हनु सारे रास्ते दो तीन बार इसने गाड़ी रुकवाई कि मुझे वॉमिटिंग करनी है, उल्टी करनी है, इसने नहीं करी, पर जब भी इसने गाड़ी रुकवाई ना मेरे को जरूर आई, दो तीन बार ऐसा हुआ, गाड़ी ये रुकवा रहा है कि मुझे करनी है, हो मुझे रही, पता ही नहीं क्या हो रहा अचानक ही ऐसे, पहली बार हुआ। और आज मैंने पहली बार ही दवाई ली थी, वरना मैंने कभी आज तक दवाई यूज नहीं की, ना मुझे कभी लगती भी नहीं, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, अब लगने लग गई पता नहीं क्यों। और आज मैंने दवाई ली वो भी फेल हो गई, आंटी ने बताया था जो इनके फ्रेंड हैं हनु के पापा के, उनके साथ हम गए थे, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा न्यूज़पेपर रख लो सीट पे और उस पर बैठ जाना फिर नहीं लगेगी, मगर आंटी लगती तो नहीं है पर पता भी नहीं लगता कि लग भी जाए, वो भी फेल हो गया, दवाई का भी फेल हो गया फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला फेल, फिर भी लगी बहुत ज्यादा घूमदा, वो नहा के आ जाएंगे फिर हम देखते हैं, पहले खाना खाएंगे पहले केक कटिंग करेंगे क्या करेंगे, तो चलिए अभी मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद जब वो आ जाएंगे। ये देखो जी हनु की गाड़ी चल रही है, गाड़ी हनु आप कहाँ से लाए अपनी गाड़ी, कहाँ से, दुकान से, कौन सी दुकान से, अंकल की दुकान से, जहाँ से गए थे मंदिर में वहां से लेके आए ना, अच्छी है सुंदर है, कौन से कलर की है, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, ओके ब्लू कलर की है अनु की गाड़ी और ब्लैक कलर की है ना, और अनु को मजा आ रहा है बहुत है ना, है ये देखो यहाँ बुला रहे केक, कह रही मैं केक लेके आया, वो केक तो काट ली, मगर जब आपने बताया नहीं ये सरप्राइज है, सरप्राइज हैप्पी बर्थडे होएगा, किसका बर्थडे है अनु, आपका बर्थडे है आज, और मेरे बेटे का बर्थडे है आज, आपका बर्थडे नहीं है आज, मम्मी पापा का बर्थडे है, मम्मी शादी की सालगिरह है, मम्मी पापा के बर्थडे है, और आपकी भी है, आपकी भी होगी शादी, आप कट तो क्या, और रुक जा, आई रुक जा नो, रुक जा, दस बजे हमारी एनिवर्सरी 10 बजे बनेगी, सुबह से तो घूम रहे हैं आज, कैमरा तो शरीर गया बहुत टूट, आगे खोलो फिर आवाज नहीं आएगी, अच्छा जी के लिए हम लाए थे केक, थोड़ा सरप्राइज था, वैसे पहले इसको थोड़ा घुमा दिया, तो मेरे शरीर में दर्द हो रही बहुत ज्यादा है, अब हम केक कटेंगे, थोड़ा सा केक तो काट दिया, केक हमारे पुत्र ने काट दिया, चलो काट दिया, केक तो उन्होंने नहीं काट दिया, आज हमारी शादी की होगी पूरे 4 साल, 4 साल में किया हमारा एक छोटा सा फूल, नूना मेरा बच्चा, चल भैया केक कौन कटेगा भैया, नो केक सब कटेंगे मिलके सब, केक तो काट दिया उन्होंने एडवांस में ही, केक भी दिखाओ। और आज ना ये थकान बहुत ज्यादा हो गई थी, फिर चलो हनु के पापा केक भी ले आए थे, और हनु ने ना केक को रखते ही काट दिया और बोला मामा मेरा बर्थडे है आज, और इसने हमें भी केक काटने नहीं दिया, खुद से ही कटिंग कर रहा था, और इसको ना खाने का शौक नहीं है इतना केक का जितना ना कटिंग करने का है,
बस इसको पता है कि बर्थडे हो रहा है, केक काटना है बस, इतना है इसको। और खाने वाने का इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं है इसे केक का। और देखो पूरा बहुत देर तक लगा रहा था, ये कम से कम आधा पौन घंटे तक इसे उठाने ही नहीं दे रहा था। बोला था मम्मा नहीं अभी फिर काटते हैं, ऐसे ही कर रहा था। और ये 10:30 बजे का टाइम हो गया था, मैं ऐसे ही केक काटते हुए, और बस फिर थोड़ी बहुत हमने बातें की, फिर मैं यहाँ पे लेने चले गई थी, बोलने की कि कटोरी ले आ और कटोरी से खा लेंगे। और अनु तो बस इसको ऐसे चाकू से लगा हुआ था, और ये चाकू भी ना पहले यहाँ पे प्लास्टिक के आते थे ना, वो चाकू जो कटिंग करने के लिए आता था प्लास्टिक का होता था, लेकिन इस बार ये देखो अभी प्लास्टिक के सामान बंद हो गए हैं, तो प्लास्टिक पे बैन हो गया, तो ये अब ये लकड़ी का दिया हुआ है, ये लकड़ी का है, वुडन है ये। और अब मैं ले आई हूँ यहाँ पे कटोरी भी, और मैं डाल के दे दूँगी। और आप सब भी हमारी एनिवर्सरी का केक का मुँह मीठा कर लीजिए केक से, और सब लोग हमें भी विश करना, बहुत अच्छे से दुआएं देना। और ये देखो हनु तो बस खुश होने में लग रहा है कि केक काट रहे हैं, बर्थडे हो रहा है, और बहुत अच्छे से मना, दिन में घूमना भी होगा, माता रानी के अच्छे से दर्शन भी हो गए। चलो थोड़े प्रॉब्लम हुई मुझे, थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, पर अब बहुत दर्शन बहुत अच्छे से हुए, और उनकी सही सलामत अपना अच्छे से गए आए, सब कुछ अच्छे से हो गया। और बस अब यहाँ पे देखो फिर हनु ना कटोरी में कह रहा था मम्मा ये नहीं खाते हैं, कभी कह रहे थे चम्मच से खा लो कभी नहीं। चलिए आप भी मुँह मीठा कर लीजिए, केक खा लीजिए हमारी एनिवर्सरी का। नहीं कौन खाएगा? हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या हो रहा है आज? अच्छा मैं नहीं खिला रही, आप खिला दो पापा को, आप खिला दो। आज इसकी क्या हो रहा है, हमें तो खाने दे। मोती के पापा थे, मोती आए क्या? नहीं 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 चलो बस हो गया बहुत। देखो हमारी यूनिवर्सिटी की चुड़ी पूरा दिन भूल गया, दिल्ली अब रात को 10 बजे केक कर रहा है। कैसे आज का दिन ना बहुत 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 अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। हाँ पर इतनी घूमी ना, तो इतनी घूमगी, बहुत ज्यादा घूमगी थी मैं तो आज। सच बताओ ना, मेरे को ऐसा लग रहा था हम घर भी चले जा गए, इतनी ज्यादा घबराहट होगी, बहुत ज्यादा। पर माता रानी की कीमत है, अच्छे घूमे, अच्छा घूमे फिरे, अच्छे से आगे ज्यादा, मतलब आने जाने में ज्यादा टाइम किया, वहाँ पे कम टाइम रहा हमें। और एक बार वहाँ पे ना मंदिर की अंदर की वीडियो उन्होंने बनाने से अलाउ नहीं किया था, मंदिर में गया था, पुलिस वाले ने फोन कर दिया था, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। आ करो, आ करो, आप जा रहे हैं, आ करो, है ना मम्मा को भी आ करो, चलो चलो मैं बोला ना, खाना तो आ रहा नहीं, चलो भाई सुनो, तो चलिए अभी बोलो का बस बोलो पे पे लगेगी एड, और मिलेंगे जल्दी। आप सब लोग अपने अपने स्टेज अपनी घुमाए, हम सभी को हमारी एनिवर्सरी जैसे आज बनी ऐसे ही हर साल बनी है ना, तो बहुत सारे साल। और हनु सबसे पहले का करेगा केक, हनु के दो बार केक करेंगे, जुलाई में भी अगस्त में भी है ना, तो दो बार बर्थडे करेगा हनु का। चलो बाय, तो सबकी सबको बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, ओके जी, बाय सभी को, गुड नाइट।